किसी भी टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का मैच, और इंडिया में जो फैंस होते हैं वो ये कहते हैं कि वर्ल्ड कप जीतो ना जीतो पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतो, और हमारे साथ पाकिस्तान के खिलाफ स्टार परफॉर्मर हैं एकता बिष्ट। 5 विकेट आपने लिए थे, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, तो उस मैच के बारे में बताइए कि इंडिया पाकिस्तान मैच प्रेशर मैच था 171 रन पे, और उसके बाद आपने ज़बरदस्त बॉलिंग की। जैसे 170 स्कोर हुआ तो मैं बाहर यही कह रही थी चलो अभी अपने पास बॉलिंग है और करना ही है, पर जब हम ग्राउंड पर उतरे तो हम सबका यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉट बॉल्स खिलाना है, और डॉट बॉल्स खिलाएंगे तो उनके अगर शुरू में एक दो विकेट गिरे तो उनकी मॉरल डाउन हो जाएगा, और हम लोगों ने वैसे ही किया। शुरू में उनके विकेट लिए तो लास्ट तक फिर वही कैरी हमारी तरफ से उतरा। ये पाकिस्तान की टीम बड़ी पसंद आती है आपको शायद, एशिया कप में भी 5 विकेट हॉल, वर्ल्ड कप में भी 5 विकेट हॉल। हाँ, उनकी भी एक प्लेयर ने यही बोला था कि इंटरनेशनल क्रिकेट हमारे लिए खेलने आई है, क्या 5 विकेट ले लिए हमें। तो हाँ, अभी तो जैसे हम लोग कोई भी टीम हो, मुझे यही रहता है कि टीम के लिए करना है और टीम को मतलब जैसे भी हो टीम को जीत दिलानी है। अच्छा, यू बिलोंग टू उत्तराखंड और वहाँ पर इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, पहाड़ों में तो आप वैसे भी क्रिकेट इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहता है, वहाँ से क्रिकेट खेलना, स्पिनर बनना, ये सब कैसे जर्नी रही? जैसे मैंने अभी काफ़ी लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा, जर्नी तो मेरी मतलब डिफ़िकल्टी रही क्योंकि ना टर्फ है और विकेट ग्राउंड नहीं है, टर्फ में कैसे टर्न कराना है ये सब कुछ पता नहीं था पहले जब खेलते थे क्रिकेट जब स्टार्ट किया था। पर मेरे कोच लियाकत अली खान, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करा, उन्होंने जैसे कि अदर कोई थिंक मेरे दिमाग में आने नहीं दी, उन्होंने बोला तू खेल बाकी सब मैं देख लूँगा। अच्छा, बहुत सारी लड़कियाँ ना आपको देख रही होंगी और उनके लिए आप बहुत बड़े रोल मॉडल हो, तो जो क्रिकेट खेलना चाहती हैं आप क्या बोलना चाहोगे उनको? यही बोलूँगी कि खुल के खेलो, अच्छा खेलो और फेयरलेस खेलो।